सामने व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं। जैसे हम रोज़ कभी करीम, कभी ऊबर, कभी जो है ना वो ड्राइवर यूज़ करते हैं, तो आज मेरे साथ जो है वो मोहम्मद ताहिर भाई, इनके पास है टोयोटा बेल्टा। तो ताहिर भाई माशाल्लाह, आप कितने अरसे चला रहे हैं ड्राइवर? तकरीबन 4-5 साल हो गए। और कैसा चल रहा है? अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर भाई, मेरी आपसे जब बात हुई, जिसकी वजह से फिर मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू की, आपसे पूछ के, ये जो आजकल के हालात हैं, महंगाई के मामले आते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपको ये चला कर हो जाता है? मेहनत करते रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, अल्लाह ताला बरकत देता है। तो ये जो अभी मामले, लोग रोते हैं महंगाई है और यूँ हो गया, सब हो गया, बहुत, ये तो हमेशा से चलता रहेगा। ये महंगाई तो शुरू में भी थी, जब भी हम यही कहते थे कि महंगाई है, महंगाई है। शुरू से हमारा मतलब पिछले जो अरसे गुजरे, पिछले कितने अरसे से यही चक्कर है जी, लेकिन पूरा हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला पूरा करता है। हमारे जो अभी नौजवान और जो अधेड़ उम्र और हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं, इन सब के लिए आप क्या मैसेज है, मतलब पूरी पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या मैसेज है? मैं तो बस यही कहता हूँ कि बस नेक नियति से अपना काम करते रहें, मेहनत करते हैं अपने दिल से जी, झूठ से बचें बस। मैं ये कहूँगा कि ये जो मुल्क है पाकिस्तान, आज हम देख रहे हैं, हम लोग ने इसको हमेशा से गालियाँ दी हैं, हमेशा बुरा भला कहा है इनके लोगों को, और खासतौर पर इस मुल्क को हम छोड़ छोड़ के जाना चाहते हैं। उससे हासिल क्या होता है? कुछ नहीं, जिंदगी भी गुजारी जाती है, खाते पीते भी रहते हैं, लेकिन रोते रहते हैं। सर आज देख रहे हैं कि गाजा में क्या हाल हो रहा है, फिलिस्तीन में लोगों का क्या हाल हो रहा है, तो एटलीस्ट हम उनसे कई लाख गुना बेहतर हैं, और इस बात का अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो है वो अल्लाह पाक ने हमें वो मुल्क दिया हुआ है, जिस पर कोई जाना अभी तक बातें जरूर कर सकता है, कह बहुत कुछ सकता है, लेकिन आप बुरी नज़र से आँख उठा के देख ही नहीं सकता, हॉस्टल अभी भी जाना वो इससे घबराते हैं। तो सर शुक्र अदा करें, शुक्र करते रहें, और ज़िंदगी अच्छे से गुजारें, रो के मत गुजारें। थैंक यू सो मच।